नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉसफेट और पीडब्ल्यूएम आईसी का। जब हमारी पावर सप्लाई खराब हो जाए तो खराबी हमें इन दोनों पार्ट्सों पर अधिकतर देखने को मिलती है, या तो मॉसफेट उड़ जाएगा या पीडब्ल्यूएम आईसी उड़ जाएंगी या ये दोनों उड़ जाएंगे। तो अब क्या करें? मॉसफेट मार्केट में मिलता है, जो लग रहा है उससे भी बढ़िया मिलता है, तो इसका तो झंझट नहीं, चलो हम ये लगा देंगे। लेकिन ये पीडब्ल्यूएम आईसी जो होती है वह नहीं मिलती, और ये दो तरह की होती है। ये तो होती है जो हम चित्र बता रहे हैं आपको, 8 लेग वाली, और एक होती है 6 लेग वाली, जिसमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टांग होती हैं, और दूसरी होती है जिसमें 6 टांग होती है। तो इसका हमने तोड़ निकाला है, इसका हमने एक जुगाड़ किया है, और इतना शानदार जुगाड़ है कि आप भी विचार करेंगे कि वाकई में बहुत ही कारगर साबित हुआ ये विचार। क्योंकि आप देखते हैं, ये एक छोटा सा पुर्जा है जो आप देख रहे हैं, ये PWMIC, ये देख रहे हैं आप दूसरे, इसमें ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका PWMIC, ये देखिए, ये एक छोटा सा पुर्जा है, 6 लेग का आईसी है, और देखिए आप हमारा दूसरी सप्लाई में देखिए आप PWMIC, ये 6 लेग का आईसी है। तो अक्सर अब 6 लेग के आईसी PWMIC आने लगी। आइए इसका एक थोड़ा सा जूम करके हम बड़ा बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक PWMIC का सर्किट है, ये इसकी PWMIC रही, इसका नंबर है PWM MUP 36R, ये इसका नंबर है। ये क्लास हमने बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये क्लास हम क्यों बता रहे हैं आपको, इसका कारण है दोस्तों, क्या कारण है कि जब हमने ये देखा कि हमारी पावर सप्लाई में सारे जितने भी हमारे पास जो पावर सप्लाइयां हैं, उन सभी पावर सप्लाइयों में हमने ये देखा कि मॉसफेट उड़ गया। तो जब मॉसफेट उड़ा तो बाकी का तो सही है ना, तो मॉसफेट दूसरा डाल देंगे। जब मॉसफेट दूसरा डाला तो ये चला नहीं, ये जब नहीं चला, और इस पे जो नंबर आते हैं ना दोस्तों, ये सब पे अलग अलग आते हैं। एक नंबर की आपको देखने को नहीं मिलेगी, इन पे जो कोड डले होते हैं ये अलग नंबर के डले होते हैं। तो फिर अब क्या करें, क्योंकि जहां कोड आ गए वहां हमको रुकना पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने फिर इस आईसी को निकाला और इस सप्लाई में लगाया। तो जो हमारी सप्लाई नहीं चल रही थी वह सप्लाई चालू होने लगी। फिर हमने इन सब का डाटा शीट निकाला, और जब डाटा शीट हम निकालते हैं तो क्या पाते हैं कि इसकी पिन नंबर 1 ग्राउंड, पिन नंबर 2 फीडबैक, PC 887 का फीडबैक मिलेगा इसको, पिन नंबर 3 CT, RTCT, पिन नंबर 4 करंट सेंस पिन, और पिन नंबर 5 BCC, और पिन नंबर 6 आउट ड्राइव और गेट, यानी हमारे मॉसफेट को ये ड्राइव करती है
पिन नंबर 6। तो हमने ये देखा कि जब इस नंबर की आईसी जो हम अभी लगी हुई है उसका पिन नंबर 1 ग्राउंड है, पिन नंबर 2 फीडबैक है, पिन नंबर 3 सीटी है, पिन नंबर 4 करंट सेंस पिन है, पिन नंबर 5 बीसीसी है, पिन नंबर 6 गेट ड्राइव को आउट करती है यानी पल्स पहुंचाती है। अब हमने जब दूसरी आईसी देखी तो उसका भी हमें डाटा सीट ये ही मिला, नंबर अलग थे, इसका PWM MUP 36R निकला लेकिन इसका निकला PWM GPL, GPL के नाम से ये निकली और इसका पहली पिन निकली ग्राउंड, दूसरी पिन निकली इसकी फीडबैक और तीसरा पिन निकला इसका सीटी और चौथा पिन निकला इसका करंट सेंस और पांचवा पिन निकला इनका बीसीसी और छठा पिन निकला इसका आउट। नंबर दूसरा निकला इसका नंबर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 36R, आप देख रहे हैं ना, तो ये निकला और इसका क्या निकला GPL और इसका जो वैल्यू है पिनों का डिटेल्स है वो सेम है दोनों का। तो फिर हमने तीसरा देखा कि आखिर तीसरा जो है वो कैसा है, इसका नंबर है QWT 3561 और इसका भी दोस्तों वही पहला पिन ग्राउंड निकला, दूसरा पिन फीडबैक निकला, तीसरा पिन इसका RTCT निकला, चौथा पिन करंट सेंस निकला, पांचवा पिन BCC निकला और छठा पिन गेट ड्राइव को आउट करता है वो पल्स वाला निकला। यानी तीनों का जब हमें ये मिला डाटा सीट जब हमने निकाली तो तीनों पिनों की आप देखिए दोस्तों, हम आपको तीनों की से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए तीनों पिन हमें पिन नंबर एक ग्राउंड पिन नंबर दो फीडबैक पिन नंबर तीन सीटी पिन नंबर चार करंट सेंस पिन पिन नंबर पाँच बीसीसी पिन नंबर छः गेट ड्राइव नंबर अलग अलग। पहले इसका नंबर है MUP 36R, इसका है GPL, इसका है Q1T 3561। तो हमारे कहने का और हमारे बताने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास बहुत ढेर सारी PWM IC पड़ी है, पुराने हम हमारे सर्किट में से 6 पिन की जगह 6 पिन, ध्यान रखें 6 पिन की जगह हम 6 पिन IC लगाएं, 8 पिन की जगह 8 पिन की IC लगाएं। ये हमारे आज बताने का मतलब था कि आपके पास बहुत पुराने मदरबोर्ड इस तरह के पड़े हुए हैं तो आप उनमें से होल्ड कर लीजिए, जरा सा इसको हीट करिए और इसको निकालिए, इसकी जगह जो खराब हो गई उसको लगाइए और सेट अपना ओके, कोई मॉड्यूल लगाने का झंझट नहीं। MOSFET तो आप ले ही आएंगे, MOSFET तो आपको मिल ही जाएगा। IC भी आज हमने आपको पुरानी जो हमारी प्लेटें होती हैं सिर्फ 6 पिन की हो और 6 पिन की इसमें लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमारा ये भी नहीं मिलता और ये भी नहीं मिलता तो अब हमारा आप
आगे का वीडियो देखिए, उसमें हम आपको मॉड्यूल लगाना सिखाएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम इतनी ही बात करेंगे आपसे, और आगे का नेक्स्ट वीडियो फिर कभी लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।